Nice to meet you. Yeah, yeah. Look, I got you something. कर्नाटक में चुनाव प्रचार का शोर अब थम चुका है। सभी दलों के नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। राहुल गांधी ने भी शुरुआत ताबड़तोड़ रैलियों और जनसभाओं के साथ की, लेकिन चुनाव से दो दिन पहले राहुल गांधी ने अपनी रणनीतियों में बदलाव किया और जनता से सीधे जुड़े। राहुल ने बड़ों से लेकर बच्चों तक सबसे बात की, उनसे सीधे कनेक्ट हुए। बेंगलुरु में राहुल गांधी ने एक कैफे में डिलीवरी पार्टनर्स के साथ मीटिंग की, तो वहीं लोकल बस की सवारी भी की। वहीं कैफे में राहुल गांधी ने एक बच्चे से बातचीत भी की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस बातचीत को राहुल गांधी ने अपने YouTube चैनल पर भी अपलोड किया। वीडियो में ब्लैक टी शर्ट और लाल टोपी पहने बच्चे को राहुल गांधी पहले चश्मा लगाने को कहते हैं और फिर वो बच्चे से पूछते हैं कि क्या आप फुटबॉल खेलते हैं, तो बच्चे का जवाब आता है नहीं। बच्चे के साथ ढेर सारी बातचीत करने के बाद राहुल गांधी उससे कहते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर राहुल बच्चे को कुल्फी भी देते हैं। बच्चा उनके हाथ से कुल्फी लेता है और खुशी देखते ही बनती है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने बच्चे के माता पिता के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। आपको बता दें कि कर्नाटक में 11 मई को मतदान होना है, जिसके नतीजे 13 मई को सामने आएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।